कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो साफ हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि अब वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, हम आपको बताते हैं। कन्हैया इस बार महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। ये महाराजगंज यूपी वाला नहीं बल्कि बिहार वाला है। इसके अंतर्गत सिवान की दो और सारण की चार विधानसभा सीटें आती है। गोरिया कोठी, महाराजगंज, बनियापुर, माझी, एकमा और तरैया विधानसभा महाराजगंज लोकसभा में आते हैं। आपको बता दें, महाराजगंज में 35 से 40 लोगों की टीम एक सर्वे कर रही है कि कन्हैया कुमार के नाम पर यहाँ के लोगों की क्या राय है। कन्हैया कुमार के साथ रहने वाले सुशील कुमार और उनकी टीम इस सर्वे में लगी है। सुशील कुमार बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। यह सर्वे कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं कराया जा रहा है, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। जानकारी है कि महाराजगंज में कन्हैया कुमार के नाम पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बताते हैं, अभी तक कांग्रेस ने यह कंफर्म नहीं किया है कि महाराजगंज से कन्हैया कुमार ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी राजपूतों की है। इसके बाद भूमियार की आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती है। एनडीए ने यहां से एक बार फिर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार यहां से बीजेपी ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ आरजेडी से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह मैदान में उतरे थे। रणधीर सिंह 230,772 वोटों से हार गए थे। आपको बता दें, इससे पहले कन्हैया कुमार अपनी टीम के साथ बेगूसराय चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बेगूसराय चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और उस वक्त वो सीपीआई से चुनाव लड़े थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।